देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। जी ये दोनों तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब तक सृष्टि नहीं आ जाती तब तक हमें इन दोनों को एक दूसरे को करीब आने से रोकना है। रूपा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें रोकने के लिए। ध्रुव बेटा हमें तुमसे जरूरी बात करनी है, एक मिनट आओ ना। कहा तो लग जाए हक से। हमारे बेटे पे डोरे डालना बंद नहीं किया तुमने अभी तक। अरे धानी तुम भूल गए क्या? बताना पड़ेगा, आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। तुम्हारे 30 दिन पूरे हो गए और इसीलिए हमने आज इस घर में जश्न रखा है। और पता है इस जश्न की मुख्य अतिथि कौन है? तुम्हारी बहन सृष्टि। कैसी हो तुम? दीदी कैसी हैं आप? चल अभी रोना बंद कर और स्माइल कर, धानी वाली स्माइल। ध्रुव जी देखिए हम आ गए, अब हमसे शादी कर लीजिए। हमारी जिंदगी पहले ही बहुत उलझी हुई है, प्लीज और मत उलझाओ हमें। तो मतलब आप हमें अपनाएंगे नहीं? इतना आसान नहीं है सृष्टि। बहुत आसान है ध्रुव जी, इसमें क्या मुश्किल है? तो प्यार करने वालों को एक होना ही होना है। पिए लीजिए और बस हमारे गले में डाल दीजिए। ये मंगलसूत्र हमारे गले में पहना दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा वक्त दो हमें, वक्त दो चीजों को सुलझाने के लिए, तब तक के लिए प्लीज तुम जाओ यहां से। नहीं नहीं जाएंगे हम, जितनी कुर्बानी देनी थी ना हम दे चुके, अब और नहीं। अब धनी को यहां से नहीं निकालेंगे ना? ठीक है इसे हम निकालेंगे। Thank you.
करो बेटा, इसके माँ बाप ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये लड़की अगर अपने फैसले खुद करना चाहती है तो क्या गलत कर रही है? भूल गया बेटा, तू इसी सृष्टि से प्यार करता था, आज सृष्टि को छोड़ने की बात कर रहा है, वो भी इस दाने की वजह से। तू इस दाने की फिक्र कर रहा है जिसने तुझे धोखा दिया है, धोखा। याद है ना बेटा, जिस दिन धानी हमारे घर आई थी उसी दिन से तू उसे अपनाना नहीं चाहता था, उसे तलाक देना चाहता था। ये जो हो रहा ये होकर ही रहेगा, हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। तलाक दे रहे हैं। ये वही सृष्टि है जिसके बगैर तू एक पल भी नहीं जीना चाहता था। आप हमें जीते जी नहीं अपनाना चाहते, ये आपकी मर्जी, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारी मांग में संदूक जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी सुहागन बनकर इस दुनिया से विदा ले रहे। दीदी, धानिया अगर एक कदम भी आगे बढ़ी ना, हम खुद को जला देंगे। हमारा ये फैसला सिर्फ ध्रुव जी बदल सकते हैं। अगर वो हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे। अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जब तक इसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना, यार चुपचाप वही कर ले जो ये कह रही है। पागल लड़की है, कोई नया नाटक न करते।